तीन दिन से लापता तीन लड़कियों को लेकर उनके परिजनों ने चंडीगढ़ सेक्टर 34 पुलिस थाने के बाहर जमकर बवाल किया और सड़क जाम कर दी। गुजरात से आकर चंडीगढ़ में बसे लापता लड़कियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने एक संजय नामक लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि गायब लड़कियों की उम्र 21 साल, 18 साल और 14 साल है। लापता ममता के भाई का रो रो कर बुरा हाल है। ममता के भाई ने बताया कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दूसरों में बीती तब पता चलेगा, और बोलने जा तो साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ। क्या करेंगे हम? क्या आएंगे, कहाँ जाएंगे? पुलिस वाले के पास नहीं आएंगे तो? संजय नामक लड़के को पुलिस ने कल गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान लापता लड़कियों के पिता रामू ने बताया कि पुलिस के पास गिरफ्तार लड़के की कॉल डिटेल से लेकर सब कुछ है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि गिरफ्तार लड़के के पक्ष ले रही है। मेरी लड़की सर जी दुकान बंद करके काम पूरा, संडे के दिन काम पूरा करके दुकान उसने बंद कर दी, पेटी बंद करके करने के बाद इनकी लड़की थी और मेरी लड़की थी, इसी लड़की और इसकी लड़की, इनकी छोटी वाली लड़की बोल के आई फिर भाई मैं हम क्रीम लेके लेने के लिए जा रहे हैं नानी, तो हम क्रीम लेने के लिए जा रहे हैं नानी, तो तीनों लड़कियां क्रीम लेने के लिए गई, वहीं से गैप हो गई सर जी। पुलिस यह कह रही है कि तुम्हारी लड़की घर से भाग गई है। अब जरा 34 के SHO के रवैये को भी देख लीजिए। लापता लड़कियों के परिजनों से बहसबाजी के बाद जब SHO से इस मामले की तफ्तीश कहां पहुंची यह जानना चाहा, तो उनका जवाब क्या था वह आप खुद ही सुन लीजिए। सारा कुछ दिखाऊंगा तुम्हें, आ जाओ मेरे पास, चलो यहां से भी हटा दो, रोड खाली कर दो सर, बस रोड तो खाली रहेगा, चलो रोड खाली कर दो बस यहां सारा, चलो रोड यहां पर खाली रहेगा, चलो रोड खाली कर, रोड खाली रहेगा, बंदे यहां अपना काम करो, तुम अपने मेरे साथ बात नहीं करना। लापता लड़कियों में से एक लड़की की 1.5 साल की मासूम बच्ची भी भूख से बिलख रही है, जिसने 3 दिन से दूध नहीं पिया है। 3 दिन से भूखी प्यासी मासूम बच्ची को कब उसकी माँ मिल पाती है यह तो समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस।